क्या सच में गोबर और कैचवे से कमाए जा सकते हैं करोड़ों रुपए? और क्या आपको पता है कि जमीन में गाय या भैंस का गोबर डाल के जमीन की फलद्रुपता बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोबर से लाखों रुपए पर महीने के हिसाब से कैसे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर का होना बहुत ही जरूरी है, जो आपको गौशाला से आसानी से मिल जाता है। इसमें सबसे पहले तो वर्म्स को गर्मी से बचाने के लिए हमें एक अच्छी लेयर चाहिए होती है। अगर उसे गर्मी से बचाया नहीं गया तो वो जमीन में ही मर जाते हैं। इसके वर्म्स को बचाने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा केले के सूखे हुए पत्ते रहता है। इनकी 3 से 4 इंच की परत गर्मियों के दिनों में कूलर से भी ज्यादा अच्छा काम करती है और ये पत्ते थोड़े समय के बाद सड़ जाते हैं, रिकम्पोज होते हैं और वर्म्स उनको खाते हैं, जिससे वो खाद बन जाता है। और इसके छोटे छोटे टुकड़े हमारी जमीन की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कई लोग कहेंगे कि आप शेड लगाओ, नीचे प्लास्टर डालो, और बहुत सारे लोग तो नीचे पन्नी बिछाते हैं, ग्राउंड को लेबल करते हैं, लेकिन इन सब में काफी खर्चा होता है। मगर आप इसे देखिए, यहाँ पर कुछ भी फैंसी नहीं दिखेगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है या वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। और ये जो मॉडल है, इससे कम में कोई वर्मी कंपोस्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता, क्योंकि आपको बता दे कि केले के पत्ते सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वो मॉइस्चर भी कंट्रोल करते हैं, हीट भी कंट्रोल करते हैं, और वर्म्स का काम करने का टाइमिंग है वो भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैचवे कैसे केले के नीचे पड़े रहते हैं। कैचवे के लाइफ के दो ही मकसद होते हैं, एक होता है रिप्रोड्यूस करना और दूसरा होता है सिर्फ खाना खाना। ये अपने खाने को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते, मतलब इन्हें सिर्फ गोबर मिलना चाहिए। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने काफी बड़े बेड बनाए हुए हैं, जो अक्सर 50 फीट से 80 फीट के बीच में है, क्योंकि जितना बड़ा आपका बेड होगा उतना ही आपको खर्चा कम होगा। आपको बता दें कि आज के समय के लोगों को ऐसा लगता है कि खेती में अब ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए सभी लोग शहरों में आकर बस गए, लेकिन आज भी काफी लोग खेती से जुड़े व्यवसाय में लगे हैं, जो महीने के लाखों और साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं।